नमस्कार, दिल्ली ओपन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसुल त्यागी। किराड़ी से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए ऋतुराज झा, जो कि अभी मौजूदा विधायक भी हैं और दोबारा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुने गए हैं, वो पूरे लाव लश्कर के साथ निकल पड़े हैं और अपना नामांकन पत्र अब वो दाखिल करने वाले हैं। मेरे संवाददाता पुनीत गुप्ता मौके से मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कहना है ऋतुराज झा। पुनीत, क्या कहना है, जरा ऋतुराज झा से एक बार बात कीजिए और जानिए कि आखिर किन मुद्दों के साथ इस बार वो जो है वो मैदान में उतरने वाले हैं। हमारे साथ ऋतुराज झा है, जिनको आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है, दोबारा प्रत्याशी, क्योंकि किराड़ी से 5 साल से ऋतुराज झा ही थे आम आदमी पार्टी से। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे ऊपर में एक विश्वास जताया है। जाहिर सी बात है कि जिस क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कम्प्लीटली अनऑथराइज कॉलोनी है। बहुत सारे काम हम लोगों ने 5 साल में किए हैं और बहुत सारे काम अभी और करने हैं, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का माहौल है, लोग इस बार 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को देने वाले हैं और जितने भी काम अभी चल रहे हैं और जो काम अभी और होने हैं, वो और भी रफ्तार से और भी मजबूती से हो पाएगा। पुनीत, आपके पीछे कुछ महिलाएं भी मुझे नजर आ रही हैं खड़ी हुई, जरा इनसे बात कीजिए और जानिए क्या आखिर ये महिलाएं इस हुजूम में क्यों हैं, क्या उम्मीदें ये आम आदमी पार्टी से रखती हैं या फिर अपने विधायक ऋतुराज झा से रखती हैं। जी अंशुल जी, यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं जो यहीं पे स्थानीय निवासी हैं की, और ऋतुराज झा की इस नॉमिनेशन यात्रा को सपोर्ट करने के लिए पहुंची है। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा वर्मा है। हम किराड़ी में रहते हैं। हाँ, किराड़ी विधानसभा में रहती हूँ मैं। आज ऋतुराज जी का नामांकन है और आज के लिए हम जो है बहुत खुशी से उनके साथ सपोर्ट और वोट करेंगे और उनको जिता के लाएंगे। क्या क्या काम यहाँ पे हुए हैं? यहाँ पे हर काम हुआ है, स्कूल में काम हुआ है, शिक्षा का, स्कूलों में। मैडम आप बोलो। हेलो, मेरा नाम पुष्पा कोहली है और मैं वार्ड नंबर 40 से हूँ, किराड़ी विधानसभा से। हमारे केजरीवाल जी ने और हमारे ऋतुराज जी ने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि जो काम करने लायक हो। नंबर एक स्कूलों के जो कंडीशन पहले इतनी खराब हुआ करती थी, आज किसी भी स्कूल में चले जाओ, एक से एक बढ़िया स्कूल बनाया केजरीवाल जी ने। शिक्षा के ऊपर ऋतुराज झा जी ने यहाँ पे क्या किया? ऋतुराज झा जी ने सबसे पहले यहाँ पर रोड बनवाए हैं स्कूल में, हर महीने वो स्कूल में जाते हैं। मैं चाहूंगा पुनीत कि आप ऋतुराज झा के जो कार्यकर्ता है या फिर यूं कहें कि हुजूम में जो भीड़ ये खड़ी हुई है, जरा यहाँ लोगों से कुछ बातचीत करें और जाने कि आखिर आम आदमी पार्टी के साथ वो क्यों खड़े हुए हैं और क्यों अपने विधायक के साथ वो इस भीड़ में निकले हैं। जी अंशु, यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस समर्थन को, मतलब नॉमिनेशन यात्रा को समर्थन देने के लिए पहुंचे। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो किराड़ी में रहते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम डॉक्टर नवीन लवानिया है और मैं किराड़ी विधानसभा प्रेमनगर से वासी हूँ और मैं केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र से दोबारा ऋतुराज झा जी को टिकट दी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो विकास हुआ है और हमारे क्षेत्र में क्या है, दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ है वो अनगिनत और अंधाधुंध विकास हुआ है। जितना 70 साल भी नहीं हुआ, वो 5 साल पे हुआ सर। जो ऋतुराज के थ्रू जितना काम हुआ है वो करने जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है और इसी के बेस पे जो इनको वोट, पूरी बहुमत से वोट मिले, जितवाएंगे। क्या लगता है भाई साहब जी, आप क्या नाम आपका? शुएब अहमद धोले मियाँ। यहीं पे रहते हैं आप? जी। कितना संतुष्ट है ऋतुराज के काम? ऋतुराज के 100% संतुष्ट है, बहुत काम हुए हैं। ऐसे कोई बड़े काम गिना सकते हैं आप? 10 मोहल्ला दिल्ली के और टेंडर हुआ है इसका, सीवर लाइन का। 105 कॉलोनी में एक साथ सीवर लाइन पड़ेगी, एक साथ। आम आदमी पार्टी यहाँ से पिछली बार 50,000 से जीते थे, इस बार 75 पार करें, क्योंकि केजरीवाल जी ने जो काम किया है, पानी, बिजली फ्री, बस फ्री, उसके बाद सड़क, नाली, सीवर, ये सारे काम यानी कि धड़ल्ले से किया है। इसी को लेके बीजेपी परेशान है और आपको मालूम होनी चाहिए कि पूरी दिल्ली के अंदर में केजरीवाल के नाम का डंका बज रहा था, पानी बिजली प्रचार चल रहा था, तो बीजेपी घबरा के NRC और नागरिकता वगैरह का ढकोसला यहाँ दिल्ली के अंदर में छेड़ दिया है। मगर उसको इसका फ़ायदा नहीं होने वाला। पूरी दिल्ली की जनता एक ही बात सोच रखा है कि दिल्ली के अंदर में कोई राज करेगा तो वो केजरीवाल करेगा, जिन्होंने विकास का काम किया है, गरीबों के हित की बात किया है।
जी हाँ धन्यवाद पुनीत। तो ये थे पुनीत गुप्ता जो कि किराली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, तो हमें बता रहे थे कि आखिर कितने लाव लश्कर के साथ जो है वो दिखा रहे थे कि ऋतुराज झा नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।